नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर जिले के खागा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उर्मिला देवी पत्नी सिपाही लाल यादव को चुनौती भरा चुनाव लड़ने का मौका मिला, जहां सुखदेव इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य सिपाही लाल यादव ने तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी को खागा नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और देखा जाए तो खागा नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो भी लगेगा वह उर्मिला देवी पत्नी सिपाही लाल यादव से लड़ेगा। और आप लोगों को बताते चले कि आज के मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहनों के जुलूस से सभी प्रत्याशियों को चुनौती भरा संदेश दिया है, जो पूरे खागा नगर पंचायत क्षेत्र में भ्रमण कर वोट मांगने का काम किया है। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। भारी से भारी मतों से विजय बनाए और खागा नगर पंचायत को विकास की ओर अग्रसर करें। साथियों, आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, नौजवान साथियों को से निवेदन है, अरुण केसकर की सभी साथियों से मेरा, मैं सभी इन सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ साथियों, अपने कलम में वो ठहर लाओ कि अब इस समंदर से आपको छुटकारा मिल सके। साथियों, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, हमारे पत्रकार बंधु लिख रहे होते हैं नगर की समस्याओं के विषय में और इनको करना पड़ता है।